गो। सो हेलो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए धड़ाकेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हमारा काफिला आ चुका है एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जो मुंबई का है, जो अरुण दत्ते सर, जिनका आज ये वर्कशॉप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे अभी मूर्ति बनना शुरू हो चुका है और 14 तारीख से आगमन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसलिए थोड़ा ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स अभी मूर्ति बनना शुरू हो चुके हैं। हम जो 2 साल से जो वेट कर रहे थे, जो 2 साल के बाद कोरोना महामारी के बाद जब भी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन रही है बापा की, वो भी एकदम धूम धड़ा के साथ, गाजे वाजे के साथ, जो गणराया का जो आगमन होने वाला है बहुत अमेजिंग से होने वाला है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का भी मूर्ति बनना भी शुरू हो चुके हैं। और देखते हैं आगे और क्या क्या हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया उनको मेरा दिल से सलाम, और आप वीडियो को एंजॉय करो। तब तक जो उनके जो मूर्तिकार हैं, जो उनके जो आर्टिस्ट हैं, जो वर्क कर रहे हैं बापा की, जो इतने सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाते हैं, उनसे बात करते हैं। और तब तक आप थोड़े सिनेमैटिक्स को एंजॉय करो। फिलहाल ये जो मूर्तिकार है, जो मुंबई के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है श्री अरुण दत्ते सर, सर तो आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। सो आज का जो आज का जो जर्नी है बहुत अमेजिंग सा रहा है पूरा, ये गणेश चतुर्थी के लिए। आपको मैं बहुत जब भी छोटा था तब से मैंने आपकी मूर्ति देखी है, लाइक आप पूरे मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 2 साल के बाद ये गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से हो रहा है, लाइक कोरोना की महामारी के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया, पर वही धूमधड़ा का आज मुंबई का जितने भी मुंबई का तुमने वापस दिखने को मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप मूर्ति वापस बन रहे हैं, उसके वर्कशॉप में इतनी बड़ी बड़ी लास्ट ईयर जो अगर गणेश सर का हम लोग देखने पाएंगे तो गए 2 साल में कोरोना के इसमें तो बहुत सबको तकलीफ था और हर कोई अपने अपने इसमें गुजारिश कर रहे थे। लेकिन अभी जो गणपति का जो माहौल है ये 2 साल के बाद आया हुआ है, और अभी जो ये आने वाला दिन बहुत कम है अपने पास, तो हम लोग काम भी जोरों से कर रहे हैं। और इसके राह हर कोई नागरिक छोटे से लेके बड़े तक 2 साल से वेट कर रहे थे जो गणपति हमारा कभी आ रहा है यहाँ से, और एक जो आतुरता रहती है गणपति की, तो आज सबकी मनोकामना पूरी होगी ये साल। और इसके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हरे गणपति अच्छे होना चाहिए और सबको सबके घर पर जाके उनका आशीर्वाद गणपति का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग जोरों से काम कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग भी बहुत वेट कर रहे थे कि गणपति कभी आए, हम लोग कभी बड़े गणपति के बनाने को चांस मिल गए। लेकिन ये साल जो सबका सपना था, सबको लगा था कि 2 साल के बाद गणपति होने वाला नहीं है, तो ये सपना सबका अधूरा रह जाएगा और लाइफ टाइम ये मूर्ति छोटी रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पापा के आशीर्वाद से गणपति बड़ी हो गई और सबको वो चांस मिला और हर किसी की जो खुशी थी वो मिल गई फिर से, और वही कामना से सबको आशीर्वाद भी मिल जाएगा, तो वही जल्द से हम लोग काम करें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि देखा जाए कि अभी 14 तारीख से जो बड़े बड़े आगमन है वो शुरू हो जाएंगे, अभी फिलहाल 2 आगमन हुए, एक कोल्हापुर का राजा और एक कुर्ला का राजा, एक आपके वर्कशॉप में से पहली कौन सी वो मूर्ति जाने वाली जो 14 तारीख को जाने वाली है? 14 तारीख को सबसे बड़ी मूर्ति है मेरे पास पे 29-30 फुट की मूर्ति है अलबा की, राजी गली का गणपति है ग्रैंड रोड का। दूसरा है परेल का महाराजा, वो भी उसी दिन निकल रहा है 14 तारीख को। और सारे 5-10 मूर्तियाँ हैं बाहर गाँव की है, वो भी उसी दिन निकल रहे। 8-10 मूर्ति मेरे यहाँ से निकलने वाली है संडे को 14 तारीख को, तो उसकी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, आप देखते रहिए। जैसे
जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी मैं 21 तारीख को यहाँ पे वापस आने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे एक दोस्त का जो मंडल है, जो उनका भी आगमन यही जो वर्कशॉप है अभिनंदन सर का, उधर से ही होने वाला है। और सर लाइक अभी 2 साल के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, लाइक अभी मूर्तियाँ भी बहुत कुछ ये टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है, पर ये टाइम स्पेशलिटी क्या आपका मूर्ति के अंदर लाइक क्या है कुछ स्पेशलिटी? ये सर स्पेशलिटी ऐसा है कि मलबा जी का जो मूर्ति है उसका जो प्रभाव है, उसकी जो डिज़ाइन है वो देखने जैसी है। लाइक करता हूँ कि पब्लिक को भी अच्छा लगे, तो हर किसी कोई वो मूर्ति देखे और कैसा लगता है मुझे भी बताइए, क्योंकि हम तो कोशिश करें कि अच्छा लगे मंडल को भी और लोग को भी, और हम उसमें जान देने का कोशिश करें तो पूरा होगा, आप देख लो। और जैसे कि अगर आपको वीडियो ने अभी तक एंजॉय किया, इनसे बात करते हैं, अभी जो इनके जो आर्टिस्ट है, जो इनके जो कारीगर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, कि एक एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो सीधा सो फिलहाल चलते हैं और अभी जो इनके जो कारीगर हैं उनसे बात करते हैं। सो दादा क्या नाम है आपका? संतोष पंडित। सो लाइक कैसा लग रहा है कि आपको अरुण दादा के साथ वर्क कर रहे हो, लाइक कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइक ये टाइम 2 साल के बाद आगमन हो रहा है, लाइक बहुत जोरों शोरों से वो वर्क चालू है। हाँ चालू हो रहा है बहुत जोर से। सो लाइक नाइट काम हो रहा है अभी। आप किधर रहते हो फिलहाल? अभी मुंबई रहते हो कि आउट मुंबई के बाहर रहते हैं? मुंबई के बाहर रहता है, गणपति चालू होता है तो इधर आ जाता है। ओके, तो आप कितने साल से लाइक मूर्ति वगैरह बना रहे हैं? मूर्ति तो मैं लगभग 10 साल से बना रहा हूँ। ओ 10 साल का मतलब एक्सपीरियंस है पापा की, इतनी सुंदर मूर्ति बना रहे हैं। और सो फिलहाल अभी चलते हैं आगे। दादा क्या है, क्या नाम है आपका? क्या? ओके, सो थोड़ा जोर से बोलिए, आप कितने साल से लाइक मूर्ति बना रहे इधर? 5 साल से। लाइक कैसा रहा अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी, वो कैसा रहा? बढ़िया ही है। तो सीधा भी आप ये देख सकते हैं कि मूर्ति बनना शुरू हो चुका है। तो फिर सो दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिंह। पवन सिंह, तो दादा के सो मतलब आप कितने साल से मूर्ति बना रहे? मैं इधर 10 साल से कम से कम बनाता हूँ। 10 साल से बना रहे हो जी। और जो दो साल जो कोरोना था उसमें लाइक कैसा लगा कि बापा बड़ी मूर्ति नहीं बनी थी? लाइक नहीं, बड़ी मूर्ति नहीं बनी थी, छोटी मूर्ति बना था, ऑक्सीजन में आया था। मतलब आज कुछ मतलब 2022 में बापा के आशीर्वाद से वापिस सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। हाँ, नॉर्मल होने जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। सो दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। सो आप भी मूर्ति बनाते हैं कितने साल से? हम फर्स्ट बना है। फर्स्ट ईयर है, मतलब फर्स्ट ईयर ही बहुत बेहतरीन मूर्ति बनने वाली है अभी आपके हाथों से। और आपका बेसिकली रहने वाले कहाँ से है? बिहार से। सो मतलब आपसे मूर्ति बनाने इधर आते हैं खाली पापा की। सो चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सब जो काम कर रहे हैं, जो कारीगर हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और ऐसे ही हम बेहतरीन वीडियो को लाते रहेंगे आपके लिए, आप शेयर करते रहना क्योंकि 1K बहुत करीब है। तो मिलते हैं तब तक एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम करी रोड वर्कशॉप। जय हिंद, वंदे मातरम। और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं तब तक एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। बूम।